नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि टॉयलेट क्लीनर किस तरह बनाया जाता है, इस तरह के टॉयलेट क्लीनर को बनाने के लिए क्या कॉस्ट पड़ता है, किस तरह बनाया जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसे किस तरह मार्केट में बेचा जाता है। आज इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। और ये बहुत लोगों ने कहा था कि टॉयलेट क्लीनर, इसलिए मैंने टॉयलेट क्लीनर का आज वीडियो चूज़ किया है। आज मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगा और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरे पूरे वीडियो को लाइक करिए, अरे पूरे वीडियो को देखा करिए जरूर। पूरा वीडियो देखने से आपको पूरा नॉलेज होती है इसके बारे में। वैसे कुछ नॉलेज अगर मैं नहीं बता पाता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ नीचे, तो उसे भी पढ़ लीजिए। और प्लीज़ मेरे पूरे वीडियो को देखा करिए। और आप लोग का बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके सपोर्ट से मैं बढ़ते जा रहा हूँ, मेरा वीडियो का जो चैनल है वो बढ़ते जा रहा है, तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैंने अपना नंबर प्रोवाइड किया है, उस पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि टॉयलेट क्लीनर बनाया कैसे जाता है और किसको बनाने में क्या लागत आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए सबसे पहले क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉयलेट क्लीनर बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एसिड थिकनर का, क्योंकि यही एसिड को थिक करता है। उसके बाद HCl चाहे H2SO4 ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं। इसके बाद आप कलर ले लीजिए, एसिड ब्लू कलर जो होता है वो ले लीजिए। दुकानदार से मांगेंगे एसिड ब्लू कलर तो देगा, या तो उससे बोलिएगा कि एसिड कलर में जो एसिड में जो घुल जाए वो कलर दीजिए। और पानी, ये तीन इंग्रेडिएंट्स से और चौथे पानी से आप एसिड अब अपना जो है टॉयलेट क्लीनर बना सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर बनाने में मात्र खर्चा जो है, अगर अच्छी क्वालिटी का बनाते हो तो 12 से 14 रुपये से नहीं ऊपर नहीं जाता है एक लीटर का जो कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बनाया किस तरह जाए, इसे इसका प्रोसीजर क्या है, उस तरह चालू किया जाता है। टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पानी लेना होगा। अच्छा, इसका मैं एक्चुअली फॉर्मुलेशन देना भूल गया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ। आपको एसिड थिकनर 50 लीटर के बैच में 2 लीटर से 3 लीटर की जरूरत होती है। 50 लीटर के बैच में, फिर बता रहा हूँ कि 50 लीटर के बैच में आपको 2 से 3 लीटर थिकनर की जरूरत होती है। मोस्टली ज़्यादा करके 2 ही लीटर मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आपको एसिड थिकनर सही ना मिले तो आप 3 लीटर यूज़ करिए। एसिड थिकनर 3 लीटर यूज़ करना है। HCl H2SO4 डिपेंड करता है कि आप कितना डाल रहे हो पानी उसके ऊपर, लेकिन ये 16 से 17 लीटर इसको यूज़ किया जाता है। मतलब आप अगर 15 लीटर भी यूज़ करते हो तो बहुत है, 15 लीटर ये यूज़ करिए, 2 लीटर ये, 17 लीटर हो गया, बचे हुए जगह पे आप पानी यूज़ करिए। ये इसका फॉर्मुलेशन है। कुछ भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करिए, फिर भी मैं आपका पूरी तरह हेल्प करूँगा। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं बताता हूँ, मैं रोज़ डेली बोलता हूँ कि जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं बता रहा हूँ ये सब आपको गूगल पे सर्च करने में मिल जाएंगे। मैं लीगल तरीके के प्रोडक्ट के नाम बोलता हूँ, रॉ मटेरियल के नाम बोलता हूँ, मैं अपना ब्रांड नहीं बेच रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मैं अपना ब्रांड नहीं बेच रहा हूँ। तो प्लीज़ ये सब चीज़ आप गूगल में सर्च करिए, अगर आपको न मिले तो फिर मुझे बताइए, क्योंकि ये थिकनर वगैरह, एसिड थिकनर वगैरह बोलने पे मिल जाएंगे आपको इजिली। तो चलिए इसका प्रोसेस आगे करते हैं। पहले पानी लेना है, वो मैंने ले लिया है। उसके बाद इसमें जो मिक्स करना है, इंपॉर्टेंट चीज़, सेकेंड स्टेप जो होता है वो थिकनर का होता है। थिकनर मिक्स करना है, 2 लीटर के हिसाब से थिकनर मिक्स कर लीजिए आप। सा ले लेते हैं क्योंकि छोटे बैच में पता नहीं चलता थिकनर कितने लोग मिक्सिंग थिकनर कितने लोग जो है मिक्सिंग वाला सप्लायर जो होते हैं मिक्सिंग वाला देते हैं, तो उसको जरा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि बिना उसके तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये फेस भी देता है, तो इससे डरिएगा नहीं, ये फेस देता है, थिकनर फेस देता है, याद रखिएगा। इसके बाद इसमें आप कलर मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपको कलर मिक्स करना है। कलर का नाम मैंने बता दिया है, कलर का नाम है एसिड ब्लू, थिक एसिड ब्लू कलर। एसिड ब्लू कलर मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा दुकानदार से, लेकिन केमिकल की दुकान से लेना है इसे, ये फ्रूट कलर वगैरह यूज़ करने के लिए नहीं होता है, तो फ्रूट कलर वगैरह आप नहीं इसमें यूज़ कर सकते हो, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें फूड कलर वगैरह नहीं यूज़ करना है, इसमें फूड कलर के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो इस चीज़ को मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर मिक्स नहीं होगा। और इसके बाद आपको HCl चाहे H2SO4 जो है आपके पास वो यूज़ करिए। थोड़ा
थोड़ा थोड़ा धुआं देगा HCl चाहे H2SO4, तो उससे डरिएगा नहीं, मास्क वगैरह पहन के आप बनाइएगा, आपका इजिली बन जाएगा। ये आपका जो है हार्पिक रेडी। अब इसको थिक करने के लिए आप चाहिए तो एसी थिकनर जो है एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वैसे ये बहुत ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।